चौथा फेज सड़क जाम हुआ है। ये सब क्या, ये सब प्रशासन की लापरवाही से हो रहा है। करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के चित बड़ा गांव मोहम्मदाबाद मार्ग पर लट्ठू डीह बाजार में सोमवार सुबह करीब 10 बजे महिला पुरुष के साथ लड़के सड़क पर उतर गए। चक्का जाम करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कहा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से मंगई नदी में पुल से गिरे किशोर का दूसरे दिन भी पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों का गुस्सा देख पुलिस ने गोताखोरों से किशोर की तलाश शुरू कराई, जिसके बाद गोताखोरों ने नदी से किशोर का शव बरामद किया। बता दें कि बलिया का नरही निवासी गोविंद उम्र 16 रक्षाबंधन में अपनी बहन के यहाँ लट्ठूडीह गांव आया था और रविवार की शाम मंगई नदी पर बने पुल की रेलिंग पर कपड़ा उतार कर बैठा था। इसी दौरान नदी में गिर गया। उसे गिरते हुए चरवाहों ने देख लिया था। तत्काल घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई, लेकिन पुलिस किशोर का पता लगाने में लापरवाही बरत रही थी। जाम की जानकारी होते ही स्थानीय थाना पुलिस सहित क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद विनय गौतम, मोहम्मदाबाद कोतवाल आशीष नाथ सिंह और भावरकोल थाना प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ यादव पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लोगों को समझाते हुए शांत कराकर 1.5 घंटे बाद जाम समाप्त कराया। यहाँ पे इस रोड पे चौथा फेज सड़क जाम हुआ है। ये सब क्या, ये सब प्रशासन की लापरवाही से न हो रहा है। आज बार बार हम लोग डीएम से आपको ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं हम लोग डीएम से आपको? जैसे मतलब बेटा ऐसा है ना, देखो पुलिस के पास इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इनका तरीका गलत था। ये कोई एक्सपर्ट में है नहीं, लेकिन ये है कि गोताखोरों को या जो अंदर नदी में उतरते हैं उनको बुलाते हैं, सब अपना प्रयास करते हैं। रात भी हमारे लिए 19-20 घंटा हो चुका है। इसके बाद गोताखोरों से नाव के सहारे किशोर की तलाश शुरू कराई। नदी के पानी में एक झुरमुट में फंसे किशोर के शव को बरामद करते हुए बाहर निकाला गया। शव पर नजर पड़ते ही परिवार के लोग दहाड़े मारकर चीखने चिल्लाने लगे। इस संबंध में करीमुद्दीनपुर थाना प्रभारी निरीक्षक दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि लिखा पढ़ी के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।